हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इन दिस लेक्चर, वी आर गोइंग स्टार्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मॉडल देखिए अभी तक आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सिर्फ एज अ क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक के रूप में पढ़ाई की है यहां से अब हम कुछ रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेकर आगे बढ़ने वाले तो उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो मैथमेटिकल मॉडल्स बनते हैं उन मॉडल्स को हम बनाने की कोशिश करेंगे तो अगले कुछ लेक्चर्स में हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मॉडल इसके ऊपर काम करेंगे तो बेसिकली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों एक पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड हैं तो हम देखेंगे कैसे एक पार्टिकल जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए मॉडल कैसे बनाया जा सकता है तो स्टार्ट करेंगे बेसिक मॉडल से देन हम उसको एडवांस वर्जन में ले जाएंगे और धीरे धीरे उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी क्या होता है एक्सेलरेशन क्या होता है ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल बनाना तो यहां पर हम होरिजोंटल एंड वर्टिकल मोशन की बात करने वाले हैं और जो भी हम मोशन की बात करेंगे वो हमारे मोशन स्ट्रेट लाइन में होंगे तो देखिए अगर कोई पार्टिकल मेरा किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है तो उसके मोशन को मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ लेट से दिस इज अवर स्ट्रेट लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और पार्टिकल यहां पर है इनिशियली सो आई कैन से दैट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो द पार्टिकल इज हेयर और एट टाइम टी इज इक्वल टू लेट से टी कुछ टी टाइम के बाद मेरा पार्टिकल बी पोजिशन पे आ गया तो इस मोशन को ए से बी पे जाने के मोशन को मैं एक फंक्शन से डिस्क्राइब कर सकता हूं एंड दिस फंक्शन इज वेरी सिंपल फंक्शन एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम क्योंकि जो मेरा जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है जिसको मैंने हॉरिजोटल लाइन पे होने की वजह से एक्स से रिप्रेजेंट किया है वो मेरा टाइम डिपेंडेंट है न so से x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ जीरो और यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी f एट t अब अगर आपको इससे वेलोसिटी निकालने को बोल दिया जाए तो आप अच्छे से जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी जिसको मैं एफ डैश टी लिख सकता हूं क्योंकि x क्या है मेरा फंक्शन ऑफ t तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा f dash t. Now I can also talk about acceleration also. Acceleration is a t. और ये क्या हो जाएगा? Derivative of velocity, which is equal to d over dt. Velocity क्या है मेरी? dx by dt. So ये आ गया d square x by dt square. और आप a t को क्या लिख सकते हैं? v dash t भी लिख सकते हैं. dv by dt is nothing but v dash t only. और यहां से हमारे को क्या मिला x का डबल डेरिवेटिव यानी कि f डबल डैश t तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं ये आप सबको पता है तो चलिए एक बहुत सिंपल सा मैं यहां से एक मॉडल ड्राइव करने की कोशिश करता हूं देखिए दिस वाज अवर इक्वेशन वन मान लेते हैं इसको इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं और इसको इक्वेशन थ्री बोल देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन टू हमारे पास क्या है वी टी इज इक्वल टू डीएक्स बाई डी टी ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे तो देखिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं डी टी मेरा इधर आ गया अब इधर कोई एक्स का फंक्शन नहीं है जिसे मुझे आर एच एस में ले जाना हो अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दू सो आई विल गेट इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी टी डी टी सो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल वीटी डी प्लस सम कॉन्स्टेंट लेट्स से यहां पर मैंने इसे इनडेफिनेट इंटीग्रेट किया है अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल लू इसका यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि टी नॉट से टी के बीच में क्या चेंज आया है तो बेसिकली आई कैन अप्लाई लिमिट्स सो इट विल बी लाइक दिस इंटीग्रल डीएक्स यहां पर मैं टाइम ले लेता हूं टी इज और यहां पर टी सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल टी नॉट टू टी अब देखिए क्योंकि मेरे लिमिट में टी आ रहा है तो इस डमी वेरिएबल टी को मैं एस से रिप्लेस कर देता हूं और क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहां कांस्टेंट नहीं आएगा और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स टी टी नॉट टू टी इज इक्वल टू इंटीग्रल टी नॉट टू टी वी एस डी एस तो ये आ जाएगा एक्स टी माइनस एक्स टी नॉट सो माइनस वाले को आर एच एस में ले आते हैं वी गेट समथिंग लाइक दिस तो एक ही बहुत ही बेसिक सा मुझे मॉडल मिल गया जिससे मैं पोजीशन निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ वेलासिटी अगर आपको किसी पार्टिकल की वेलोसिटी पता है और आपको ये पता है उसकी इनिशियल पोजीशन, लेट से टी नॉट थी फाइनल पोजीशन लेट से टी थी तो आपको उसकी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया या उसने कितना मोशन किया वो आप निकाल सकते हैं तो चलिए अब कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक्सिलरेशन की तरफ लेके जाते हैं देखिए वी हैव लर्न न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन उसके अंदर हमने क्या फॉर्मूला सीखा था हमारी जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सिलेशन के इक्वल होती है ये आप सबको पता है तो फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सिलरेशन और एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगी टी पे तो मैं क्या लिख सकता हूँ एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी यानी कि अलग अलग टाइम पे हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहां से फोर्स अपॉन मास ऑफ पार्टिकल और एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा एक्स डबल डैश टी ये मैं आपको पहले बता चुका हूं यहां पर देखिए डी स्क्वास बाई डी टी हैव दिस तो अगर मुझे फोर्स पता हो तो मैं इसको दो बार इंटीग्रेट करके एक मॉडल बना सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एक्स टी क्योंकि हम दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो नेचुरल सी बात है हमें दो कांस्टेंट्स मिलेंगे और उन कांस्टेंट्स को हम इनिशियल पोजीशन की हेल्प से इवेल्युएट करेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे इस प्रोसेस को किया जाता है सो so इसके लिए हम एक एक्जम्पन ले लेते हैं लेटस से अवर फोर्स एफ इज कॉन्स्टेंट फोर्स एफ कांस्टेंट है मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है पार्टिकल का चेंज नहीं होगा तो जो एक्सिलेशन है मेरी वो भी कांस्टेंट आ जाएगी सो सी फ्रेंड्स आई कैन से इज़ इक्वल टू ए वेयर ए इज कांस्टेंट, अब इसे बहुत सिंपली इंटीग्रेट किया जा सकता है सो वी हैव डी वी इज इक्वल टू ए डी टी वी कैन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड इंटीग्रल डी ज इक्वल टू इंटीग्रल एडीटी तो यहां आ जाएगा वी इज इक्वल टू ए टी प्लस अब देखिए क्या होगा मेरे पास At time, t से जो मेरी वेलोसिटी है वो V0 है. v नॉट है ये कंडीशन में यहां पर लगा देता हूं लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर वन सो वी v नॉट इज इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस सी वन तो मुझे सी वन मिल गया वी नॉट के इक्वल तो ये आ गया मेरा वी इज इक्वल टू ए टी प्लस सी वन की जगह पे क्या लिख देंगे वी 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 नॉट नॉट सो इज इक्वल टू प्लस तो ये एक हमने रिलेशनशिप बना लिया वेलोसिटी और एक्सिलेशन के बीच में लेट एस कॉल इट इक्वेशन स्टार नाउ सी आगे बढ़ते हैं इस वी को मैं क्या लिख सकता हूं डी एक्स बाई डी टी ये हमने एक बार इंटीग्रेट किया है अब मैं इसे दोबारा इंटीग्रेट करूंगा सो डी एक्स इज इक्वल टू वॉट ए टी प्लस वी नॉट डी टी एंड इफ आई इंटीग्रेट बोथ साइड एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्टेंट सी टू अब देखिए फिर से इनिशियल टाइम ले लेते हैं t 0, मेरी पोजीशन क्या हो जाएगी एक्स मान लेता हूं एक्स नॉट

जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ से मास मासन है वो कॉन्स्टेंट हो जाए तो हम कैसे एक वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं चलिए इसकी हेल्प से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा सो दिस इज अवर क्वेश्चन द ब्रेक्स ऑफ अ कार आर अप्लाइड व्हेन इट इज मूविंग एट 100 किलोमीटर पर आर एंड प्रोवाइड अ कांस्टेंट डिसलोरेशन ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि लेट से यहाँ पर मेरी कार है और मैंने उस पर ब्रेक लगा दिए सो so, यहाँ पर हमने ब्रेक अप्लाई किए तो इसको मैं बोल दूंगा इनिशियल पोजीशन, सो so, इसको हम ले लेते हैं x इक्वल टू जीरो एट टाइम t इक्वल टू जीरो और यहाँ पर वो 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव कर रही थी तो v नॉट क्या हो जाएगा मेरा 100 किलोमीटर पर आर और ये हमारा एक्स नॉट हो जाएगा ये हमारी सब इनिशियल चीजें हो गई अब इसके बाद ये कुछ दूर जाकर रुकती है लेट से यहां पर वो रुकती है यहां पर मैं लिख देता हूं कार स्टॉप और इसको मैं मान लेता हूं ये एक्स पोजिशन है एट टाइम टी भाई लेट से वो कुछ टी टाइम के बाद रुकी और यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टॉप हो चुकी है तो ये हो जाएगी जीरो किलोमीटर पर आर इस पूरे प्रोसेस में जो मेरा डेसेलरेशन है वो मुझे दिया हुआ है टेन मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव हो माइनस टेन मीटर पर सेकेंड तो मुझे ये निकालना है कि उस कार ने कितना ट्रेवल किया यानी कि आई हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा एक्सट्री के इक्वल क्योंकि कार की पोजीशन यहां से यहां आई और x से मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूं पोजिशन को सो आई है लेकिन देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए यानी कि एक्सटी को निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए एक्स नॉट चाहिए प्लस हाफ एक्सेलेशन चाहिए टाइम चाहिए फिर इनिशियल वेलोसिटी चाहिए फिर से टाइम चाहिए तो देखिए इसमें से क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है इनिशियल पोजीशन पता है मेरे को एक्सेलरेशन पता है माइनस टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट टाइम नहीं पता कितने टाइम में वो यहां पहुंची सो वी आर नॉट अवेयर अबाउट टाइम अगेन इनिशियल वेलोसिटी पता है टाइम फिर से नहीं पता तो सबसे पहले मुझे टाइम निकालना होगा देखिए अगर ये क्वेश्चन स्टार का मैं यूज करूं तो मैं टाइम निकाल सकता हूं स्टार क्या कहता है वी टी जो है वो वी नॉट प्लस ए के इक्वल है देखिए t टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो सो यह आ जाएगा जीरो और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 100 किलोमीटर पर आर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो सेम यूनिट रखने के लिए इसको मैं क्या करूंगा V नॉट को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड सो दिस वी नॉट इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड सो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन एट मीटर पर सेकेंड यूनिट सेम रखना जरूरी है सो वी नोट इज ट्वेंटी क्या है मेरा माइनस टेन क्योंकि कार क्या है डिसलरेट हो रही है तो इसीलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा एंड देन वी हैव टाइम टी। तो यहां से टी क्या आ गया टू पॉइंट सेवन सेवन एट सेकेंड टेन से डिवाइड कर देंगे नाउ सी टाइम निकल गया अब एक्ससी वाली इक्वेशन की हर एक चीज पता है मेरे को सो आई कैन इजिली कैलकुलेट एक्स टी सो एक्स एट टू पॉइंट सेवन सेवन एट इज इक्वल टू एक्स नॉट जीरो प्लस हाफ ए माइनस टेन टी स्क्वायर यानी कि टू पॉइंट सेवन सेवन एट स्क्वायर प्लस वी नॉट वी नॉट है ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन एट इन टू टी द 2.778 स्क्वायर इसको सॉल्व कर लीजिए आप तो सॉल्व करने पे आएगा x इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 38.59 मीटर्स तो ये कितना सिंपल था ये क्वेश्चन एक बेसिक मॉडल को हमने बनाया और उसको अप्लाई किया अब देखिए यहां पर मैंने बात की थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन की अब बात करता हूं वर्टिकल डायरेक्शन में तो जैसे ही हम वर्टिकल की बात करेंगे वहां पर ग्रेविटी का रोल आना शुरू हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकल मोशन विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल मोशन में हम ग्रेविटी को इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि जो ग्रेविटी है वो मोशन के परपेंडिकुलर एक्ट करती है और इसीलिए मोशन को अफेक्ट नहीं करती आई रिपीट हॉरिजॉन्टल मोशन में हम ग्रेविटी को इसीलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि ग्रेविटी जो है वो परपेंडिकुलरली एक्ट करती है द डायरेक्शन ऑफ मोशन एनहेंस डू नॉट अफेक्ट द मोशन इन होरिजोटल डायरेक्शन बट जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो ग्रेविटी मोशन के या तो साथ में काम करेगी या उसके अगेंस्ट काम करेगी देखिए यहां पर मेरे पास कोई पार्टिकल है लेट से एट पोजिशन पी और ये पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है तो ग्रेविटी क्या करेगी इसे नीचे खींचेगी तो ग्रेविटी इसके अगेंस्ट काम करेगी और ऐसे ही पार्टिकल अगर नीचे मूव कर रहा हो तो ग्रेविटी क्या करेगी उसको नीचे लाने में और मदद करेगी तो उसके साथ में काम करेगी सो दिस इज अवर ग्रेविटी दिस इज अवर वी वेलॉसिटी सो लेट से ये वी से ऊपर जा रहा है तो यहां पर ग्रेविटी क्या होगी उसको नीचे खींचेगी सो वी हैव टू कंसिडर वेलॉसिटी हेयर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है हमारा ये हमारा माइनस डी के इक्वल होता है अब आपको लग रहा होगा मैं माइनस में क्यों ले रहा हूं देखिए ये मेरा ग्राउंड लेवल है जिसको मैं जीरो बोलता हूं ये हमारा वाई एक्सिस है जिसके पैरेलली बेसिकली मोशन होगा या लेट्स से वाई एक्सिस पे ही मेरा मोशन हो रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अब ग्राउंड लेवल से ऊपर वाले सारे टर्म्स हम पॉजिटिव लेते हैं सो वी कंटिन्यू डूइंग दैट और नीचे वाले सारे टर्म नेगेटिव लेते हैं तो कोई पार्टिकल अगर ऊपर मूव कर रहा है यानी सम पार्टिकल इज गोइंग अपवर्ड तो क्या होगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी और ग्रेविटी क्या करेगी उसे नीचे खींचेगी तो यानी कि माइनस में काम करेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुआ माइनस जी और अगर कोई पार्टिकल नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी और ग्रेविटी उसे तब भी नीचे खींच रही होगी और उसकी वैल्यू रिड्यूस करने की कोशिश कर रही होगी तो यहां पर एक्सेलरेशन हमेशा मेरा माइनस जी ही रहने वाला है क्योंकि बेसिकली ग्रेविटी इज ट्राइंग टू रिड्यूस अवर वैल्यू इन वाई एक्सिस और क्योंकि यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो दोनों क्वांटिटी का साइन नेगेटिव हो जाएगा तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्सेलरेशन मैंने माइनस जी क्यों लिया है अब देखिए यहां से बहुत सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा डीवी बाई डी ये क्या हो गया माइनस जी और ग्रेविटी मेरी कॉन्स्टेंट है तो अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और फिर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा वी टी इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस वी नॉट ये आप खुद कर लीजिएगा और जब आप इस vt के लिए सॉल्व करेंगे यानी कि वी टी को dx बाई डी टी लिख सकता हूँ सॉरी अब देखिए इस वी टी को मैं dy बाई डी टी लिख सकता हूं और ये क्या है मेरा माइनस जी टी प्लस वी नॉट जैसे हमने हॉरिजॉन्टल के लिए सॉल्व किया था वैसे ही वर्टिकल मोशन के लिए आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए इसे तो आपको वाई मिलेगा वाई टी इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस वी नॉट टी प्लस वाई नॉट तो ये बहुत सिंपल सा मॉडल है जो यहाँ पर हमने बना लिया है आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं वहां पर जहां पर एक्सीलरेशन था यहाँ पर माइनस जी आ गया क्योंकि ग्रेविटी मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है बेसिकली नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है नीचे क्या होता है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है इसीलिए माइनस जी आ गया नाउ लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन दिस सो दिस इज अवर क्वेश्चन सपोज अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड यानी कि जीरो से मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका ये हमने बॉल को ऊपर फेंक दिया है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है वी नोट है नाइन्टी सिक्स फीट पर सेकेंड इस वेलोसिटी से हमने बॉल को इस ग्राउंड लेवल से ऊपर फेंका है तो मुझे ये पूछ रहा है कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी यानी कहीं पर जाकर तो रुकेगी ना बॉल लेट से वो यहां पर आके रुक जाती है सो दिस इज अवर मैक्सिमम हाइट तो मुझे ये निकालना है तो ये वाइट ही होगा और फिर टोटल टाइम निकालना है कि वो आपस ग्राउंड पे आ जाए तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी 96 फीट पर सेकेंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें दिया हुआ थर्टी टू फीट पर सेकेंड ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम सी फ्रेंड्स इस YT को निकालने के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा तो उस टाइम को मैं किससे निकाल सकता हूं इस वी टी वाले फॉर्मूले से निकाल सकता हूं सो दिस वी टी इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस वी नॉट सो वेलोसिटी एट टाइम टी यानी यहां पर इस पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तभी तो बॉल वापस आएगी सो दिस इज जीरो इज इक्वल टू माइनस जी है मेरा 32 टू टी प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितना था 96। तो यहां से आप देख सकते हैं टी आ जाएगा 96 बाय 32 दैट इज थ्री सेकेंड्स तो यानी थ्री सेकेंड्स में यहां से बॉल यहां तक पहुंची ये आ गया मेरा टी इक्वल टू थ्री इस पोजिशन को भी निकाला जा सकता है यानी कि वाई थ्री दिस इज इक्वल टू देखिए क्या फॉर्मूला है हमारा माइनस हाफ जी थर्टी टू है टी स्क् नाइनटी सिक्स टी थ्री प्लस वाई नॉट इज जीरो बेसिक फॉर्मूला हमने लगा दिया है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वन हंड्रेड फोर्टी फोर फीट यानी कि इस हाइट तक बॉल मेरी जो पहुंच रही है वो हाइट है 144 फीट और यही मेरी क्या है मैक्सिमम हाइट है जहां तक बॉल पहुंचेगी अब देखिए बॉल यहां से शुरू हुई जीरो से शुरू हुई पॉइंट ए तक पहुंची और फिर ए से वापस जीरो पे आई तो ये हो गया टोटल टाइम तो ये हमसे पूछा गया टोटल टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड अगेन ये बताइए कितना होगा तो इसका मतलब क्या है वाई नॉट चाहिए जो कि जीरो है वाई टी टी टाइम के बाद यानी टोटल टाइम के बाद वापस बोल यहां पर है जीरो पर तो ये भी जीरो हो जाएगा सो फ्रॉम दिस वी हैव अगर मैं ये वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करूं तो मुझे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा तो वाई टी को लिख दिया जीरो माइनस हाफ जी है मेरा थर्टी टू टी स्क् वी नॉट है नाइनटी सिक्स टी वाई नॉट जीरो तो सॉल्व कर लेंगे तो आपको टी मिलेगा एक तो जीरो मिलेगा और एक टी मिलेगा सिक्स सेकेंड्स जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां से बॉल गई भी है फिर वापस आई है और हम देख चुके हैं तीन सेकेंड में वो ए तक पहुंच रही है तो वापस आने में फिर कुछ और टाइम लगेगा तो डेफिनेटली तीन से ज्यादा लगेगा तो आप देख सकते हैं छह सेकेंड्स लग रहे हैं तो जितने टाइम में बॉल ऊपर जा रही है उतने टाइम में ही बॉल वापस आ रही है और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस को यहां पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं एक मैं चीज आपको बोल रहा हूं यहां पर निकाल के दीजिए मेरे को वो है इंपैक्ट स्पीड यानी कि जब बॉल वापस ग्राउंड पे टच होगी तो उसकी क्या स्पीड होगी एक्चुअली स्पीड क्या होती है हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वी एट सिक्स सेकेंड्स तो ये आप निकालिए और कमेंट सेक्शन में बताएं अपना आंसर इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना है एज एन होमवर्क सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू यहां पर एक क्रोसबो बोल्ट को हमने शॉर्ट किया है अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड लेवल से तो y नॉट मेरा जीरो हो गया इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 49 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो पहले तो उसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो यानी कि आपको वाई टी निकालना है वेयर आप टी निकाल लेंगे जब मेरा वेलोसिटी जीरो होगा उस पॉइंट पे फिर एसेंट टाइम तो ये जो आप टी निकालेंगे जब वेलॉसिटी जीरो मेरा एसेंट टाइम हो गया फिर डेसेंट टाइम मतलब वापस आने का टाइम इसके लिए आप टोटल टाइम निकाल लीजिए पहले और एसेंट टाइम को उससे माइनस कर दीजिए तो टोटल टाइम माइनस एसेंट टाइम ये आ गया मेरा डेसेंट टाइम फिर आपको निकालना इम्पैक्ट स्पीड ये मैं बता चुका हूं इसका फॉर्मूला क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी एट टोटल टाइम ये हो गया मेरा इम्पैक्ट स्पीड एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम आगे भी डिस्कस करेंगे तो इसके आंसर में यहां पर लिख देता हूं जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वो होगी वन ट्वेंटी एंड इम्पैक्ट स्पीड विल बी फोर्टी नाइन मीटर पर सेकेंड तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन की वेरिएशन को हम आगे बात करेंगे कि जब एयर रेजिस्टेंस इसमें एक्ट करता है तो कैसे ये वैल्यूज चेंज होती हैं सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दिस क्वेश्चन तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही तो यहां पर हमने देखा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रिलेटेड मॉडल्स को जब उनका मोशन एक हॉरिजोंटल डायरेक्शन में होता है इन अ स्ट्रेट लाइन और जब उनका मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में होता है इन अ स्ट्रेट लाइन सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं ये फॉर्मले आप रिमेंबर रखिए डेरिवेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है आप जब चाहें तब इन्हें ड्राइव कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं तो आई होप इस लेक्चर से आपको हेल्प मिली होगी आप इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं उनको जरूर सॉल्व कीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े थैंक यू फॉर वॉचिंग